शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पारथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज हम रामसुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में 60th एपिसोड करेंगे। गीता में परमात्मा और जीवात्मा की स्वतंत्रता। तो कर्तुम तथान्यथा कर्तुम स्वतंत्रो हीश्वरः सदा प्रकर्तेर वशतात्यागे जीवात्मा स्ववशः सदा। यानी स्वनाम स्वयं का है, पर नाम दूसरे का है और तंत्र नाम अधीन का है। तो इस तरह स्वतंत्र का पूरा अगर हम तोड़ें उसको, तो स्व जो है स्वयं को कहेंगे, पर मतलब दूसरे को और तंत्र मतलब अधीन। अतः जो स्वयं के अधीन है उसको स्वतंत्र कहेंगे यानी स्वाधीन कहेंगे, और जो दूसरों के अधीन है उसको परतंत्र या पराधीन कहेंगे। स्वतंत्र और परतंत्र के भाव का नाम ही स्वतंत्रता और परतंत्रता है। यद्यपि ईश्वर में कृतत्व नहीं है और ईश्वर के अंश इस जीवात्मा में भी तत्वतः कृतत्व नहीं है, तथापि ईश्वर में प्रकृति को लेकर कृतत्व है और जीवात्मा में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि को लेकर कृतत्व है। परंतु इन दोनों के कृतत्व में बड़ा भारी अंतर है। ईश्वर तो प्रकृति के अधिपति होते हुए ही प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता से संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कार्य करते हैं। गीता 4.6 और 9.8। और यह जीवात्मा सुखाशक्ति के कारण शरीर आदि के वशीभूत होकर परतंत्रता से कार्य करता है। गीता 15.7 से लेकर 9। जैसे भगवान प्रकृति को स्वीकार करने और न करने में स्वतंत्र हैं और स्वीकार करने पर भी भगवान परतंत्र नहीं होते, ऐसे ही यह जीवात्मा भी शरीर आदि को मैं मेरा मानने और न मानने में स्वतंत्र है, पर उनको मैं मेरा मानने पर जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता को भूलकर उनके अधीन यानी परतंत्र हो जाता है। अतः परिणाम में यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। जीवात्मा की यह परतंत्रता स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत खुद की बनाई हुई, खुद की मानी हुई है। तात्पर्य यह है कि जब ये जीवात्मा स्वयं राग के कारण प्रकृति के कार्य शरीर आदि की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तब ये परतंत्र हो जाता है, और जब ये प्रकृति के कार्य की अधीनता को अस्वीकार कर देता है तो ये स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात अपनी स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता का, अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। ऐसा अनुभव करने में वो स्वतंत्र है। जब यह जीवात्मा अपनी स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता का अनुभव करके भी संतुष्ट नहीं होता, तब उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने पर भगवान उसके वश में हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जब यह प्रकृति के कार्य को छोड़कर भगवान को स्वीकार कर लेता है, तब
सर्वस्वतंत्र भगवान भी इसके अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके अधीन होकर वे आनंद का अनुभव करते हैं। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने इस जीवात्मा को दे रखी है। तो इतना ही बताना था मुझे। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। अगर कोई मुझसे बैक में बात करना चाहता है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ, और नहीं तो हम 8 बजे अपनी मेन स्ट्रीम करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।